आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आज के युग में जहां एक और युवा वर्ग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए महंगी महंगी होटलों व पबों में जाकर हजारों लाखों रुपया खर्च कर नशे एवं अन्य पदार्थों में फिजूल खर्ची कर धन की बर्बादी करते हैं, वहीं कुछ युवा अपने जन्मदिन पर आदर्श स्थापित करते हैं। ऐसा ही आदर्श स्थापित किया है डॉक्टर अम्बेडकर युवा समिति के मुरलीधर राहुल मेटांगे सर ने। सन 2016 से मुरलीधर मेटांगे अपने जन्मदिन पर वृद्ध आश्रमों में जाकर बुजुर्गों की सेवा कर उनके साथ खुशियों के पल बिताकर अपना जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी 17 फरवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर मुरलीधर मेटांगे ने अपने परिजनों के साथ अन्नपूर्णा रोड स्थित सिल्वर ऑक्स कॉलोनी चाणक्यपुरी में दशरथ सेवाश्रम में बुजुर्गों के बीच जाकर अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने अपने हाथ से बुजुर्गों को खाना खिलाया और उनके बीच केक काटा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मुरलीधर लेखक भी हैं और उन्होंने अपने द्वारा लिखित दुनिया ख्वाबों की और हकीकत जीवन की पुस्तक की प्रतियां भी बुजुर्गों को भेंट स्वरूप प्रदान की। इस पुस्तक में जीवन की अनेक सच्चाई और सत्य घटनाओं को कहानी के रूप में पिरोया गया है। अपने बीच में मुरलीधर मेटांगे को जन्मदिन मनाता देख दशरथ सेवाश्रम के बुजुर्ग भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने गाने सुनाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। अपने जन्मदिन पर डॉक्टर अंबेडकर युवा समिति के मुरलीधर राहुल मेटांगे ने दशरथ सेवाश्रम को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट की। इस अवसर पर सुनील डागर, पुनीत वाधवानी, भीमा सरदार, रघुवीर मरमट, भारत निम्बाड़कर, लक्की पी से, ईश्वर ताइड़े, अभिषेक पाटीदार, रमा डागर, जिया वाधवानी, लक्ष्मी बाई, दीप्ति पाटिल, सोनाली साहू सहित कई साथी मौजूद थे। मेरी अमानत है, ये जैसों की खुली छांव है, मेरी खातिर ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, के जैसे बजती हो शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा, शर्मा के अपनी बाहों में। पर मुरलीधर जी जन्मदिन मनाने आए हैं, इसलिए हम अपना इसको बालक समझ के हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बालक हमारे बीच में जन्मदिन मनाने आया है और हम लोग यहाँ रहते हैं और बहुत अच्छी तरह रहते हैं। ये हमारे घर के माहौल से भी अच्छा माहौल यहाँ मिलता है हमको। किस कारण से आपको मतलब वृद्धाश्रम आना पड़ा? ये तो सबके अपने अपने जो है घर अपने अपने जो है सबके अलग अलग समस्याएं हैं, उस हिसाब से आना पड़ता है। मुरली ब्याह के लिए क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे? हम जाएंगे कि लांगली उन्हें और हमेशा बर्थडे यहीं पे आकर मनावें तो ताकि हम लोगों को बहुत बहुत खुशी होगी। जी सर, वैसे जन्मदिन तो मैं 2016 से ही मतलब वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, अलग अलग आश्रमों में जाके बनाता आया हूँ। सिर्फ पिछले साल के जन्मदिन मेरे भाई की शादी मेरे जन्मदिन वाले दिन ही होने के कारण नहीं बना पाया था। और यहाँ आने का या किसी भी आश्रम में जाने का मोटो यही रहता है कि जन्मदिन जो है अननेसेसरी लोग जिनके पास में पैसा है वो शराब में, जुए सट्टे में या अपने अन्य लोगों के साथ में खाने पीने में खर्चा कर देते हैं, तो कहीं पैसा जो है ऐसी सही जगह पर लाके अगर खर्चा करते हैं और बुजुर्गों के बीच में हमको आने से खुशी मिलती है
और बुजुर्गों को खुशी मिलती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही एक छोटे बच्चे के लिए, एक युवा के लिए जो है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि उसी आशीर्वाद के बलबूते पे ही वो आगे बढ़ता है। आप लेखक भी हैं, आपने अपने द्वारा लिखित पुस्तक भी यहाँ पर सभी बुजुर्गों को भेंट की, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मैंने 2010 में एक किताब लिखी थी, दुनिया ख्वाबों की और हकीकत जीवन की। उस समय जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था तब जो लगता था मन में तो वो मैं डायरियों में उतार लिया करता था। किसी ने मुझसे कहा कि इसको किताब का रूप दो, तो मैंने वो किताब बनाई दुनिया ख्वाबों की और हकीकत जीवन नाम से, जिसमें कुछ कहानियाँ उसमें जो हैं, दो कहानियाँ वो वास्तविक हैं पूरी तरीके से, जिसमें एक दौलत नाम की जो कहानी है वो पूरी वास्तविक रूप से जो मैंने मेरी आंखों से देखी है। तो मैं चाहूँगा कि बुजुर्ग जिन्हें मैंने आज यहाँ पे किताब दी है उस कहानी को पूरी तरीके से उसको पढ़ें। और एक उसमें कहानी सेवा आश्रम में आप आए, आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह का आश्रम, ये किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिली? बहुत बहुत ही बढ़िया आश्रम है और यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत सही है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। दूसरी एक चीज़, यहाँ का कंसेप्ट सबसे अलग जो है कि यहाँ पे किसी भी कमरे पे नंबर नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर देश के जो महापुरुष हैं उनके नामों पे कमरों के नाम रखे गए हैं। तो मैंने सुबेरे जब जानकारी ली थी कि ऐसा क्यों, ताकि उन लोगों ने बताया मुझे जो सुबेरे यहाँ पे एक राहुल भाई थे, उन्होंने बताया कि किसी बुजुर्ग को अगर किसी कमरे में समस्या होती है तो हमें आके कमरे का नाम बताते हैं, बोले हम नंबर से नहीं महापुरुष के नाम से कमरे चलाते हैं। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज़।